जय हिंद दोस्तों, दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। देखिए, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं जनरल इंटेलिजेंस की। अब जनरल इंटेलिजेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी देखने वाली बात है। आप लोग तीन सब्जेक्ट्स जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं उनको पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके। तो मैथमेटिक्स में आप नंबर्स के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप्स होते हैं वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं। ऐसे ही आप इंग्लिश में पढ़ते हैं कि अल्फ़ाबेट्स में क्या क्या रिलेशनशिप्स होते हैं। इसी तरीके से आप जीके जब आप पढ़ते हैं तो आपको कंट्री की कैपिटल, करेंसीज के बारे में आप पढ़ते हैं। तो पढ़ते तो आप हैं, जनरल इंटेलिजेंस जो सब्जेक्ट है वो ये देखता है कि आप इनको समझे कितना हो, ठीक है, कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को बनाया गया जहाँ से आपकी समझ का पता चले कि आपका इंटेलिजेंस क्या कहता है, क्या सही मायने में आप नंबर्स को, अल्फाबेट्स को, लेटर्स को, कलर्स को समझे हो या नहीं समझे हो, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन। कल हम लोगों ने पढ़ा था एनालॉजी और आज हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या है, देखिए मेरा जो मुद्दा है वो आप लोगों को ये सब्जेक्ट को ईजी से ईजी बनाने का है। तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही ईजी तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, और उसके बाद जब आप अपने बुक्स में गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ईजी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि दो आइटम्स के बीच में या फिर ग्रुप ऑफ आइटम्स के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज को इसको हमें पहचाननी होती है, ठीक है। जब हम एक ग्रुप में एक सिमिलैरिटीज को समझते हैं तो उसमें से कुछ चीज़ें हमें समझ में आती हैं, और जो ऑड होता है उसमें, मतलब जो कि सिमिलर नहीं होता है उसको हम आउट कर देते हैं। सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम्स में ये जो है MCQs आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर आपको क्वेश्चन दिया होगा और आपको उसमें कुछ सिमिलैरिटीज दिखेंगी, और जो चीज आपको ऑड दिखेगा तो उसको आप आउट कर देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं कि राहुल अंकित और सीता, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसमें सिमिलैरिटीज क्या है। सिमिलैरिटीज जो है वो ये है कि जो राम, राहुल और अंकित है ये बॉयज हैं और सीता जो है वो गर्ल है। जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो हम देखेंगे कि हम सीता जो कि ऑड है हम इसको आउट कर देंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन को समझने से पहले हमने कल एनालॉजी पढ़ी थी, तो एनालॉजी जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि तीन टाइप की हमने चीज़ें पढ़ी थी, वर्ड्स में, लेटर्स में और अल्फाबेट्स में। तो इसी तरीके से जो क्लासिफिकेशंस होते हैं ये भी वर्ड्स में होते हैं और अल्फाबेट्स में होते हैं और नंबर्स में होते हैं और पिक्चर्स में भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जहां पर कुछ वर्ड्स आपको दिए होंगे और आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से ऑड क्या है। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, तो चलो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा, चूज द ऑड वन आउट, ठीक है। इसमें आपको चार ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसे कि अभी चार नंबर्स आपके पास हैं, आपको इसमें से ऑड नंबर जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो क्या रिलेशनशिप आपको इन नंबर्स में दिख रही है,
देखिए, जब आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि स्क्वायर्स क्या होते हैं। अब जैसे कि आपने देखा है कि 4 क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये क्या है, 4 का स्क्वायर है, और 18 क्या है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो एक हमने सिमिलैरिटीज देखी कि सारे नंबर्स जो है ये स्क्वायर्स हैं, और जो 18 है ये स्क्वायर नहीं है, तो आंसर विल बी 18। ठीक है, जो भी हम मैथमेटिक्स इंग्लिश जीके में पढ़ रहे हैं हमें उसको समझना भी है, उसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, और जब हम उस चीज को समझेंगे तो ये जो सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस ये बहुत ही इजी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। जैसे कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है कि चूज द ऑड वन आउट, हमने 4 नंबर्स लिए, 71, 91, 31 और 41। देखिए इसमें एक सिमिलैरिटीज तो दिख रही है कि सबके बाद जो है वो 1 है, 71, 91, 31, 41, लेकिन इसमें डिसिमिलैरिटी कौन सी है, इसमें क्या ऐसा है जो कि इन नंबर्स को अलग कर रहा है, तो हम देखेंगे। जब आप गौर से देखेंगे क्या है नंबर ऑड नंबर्स है, नहीं, हाँ ऑड नंबर्स तो है, सारे ऑड नंबर्स है, क्या इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स तो ये नहीं है क्योंकि दे आर नॉट डिविजिबल बाई 2। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये प्राइम नंबर है। ठीक है, ये प्राइम नंबर है, ये नहीं है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है, लेकिन जो 91 है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो आंसर होगा वो होगा 91। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, वो ये है कि चूज द ऑड वन आउट। आपने देखा कि मैंने यहां पर 4 ऑप्शंस लिखे हैं, लायन, टाइगर, वुल्फ और काउ। आप देखेंगे कि इसमें जो सिमिलैरिटीज हैं वो ये हैं कि जो 3 ये एनिमल्स हैं ये कार्निवोरस एनिमल्स हैं, मतलब कि ये तीनों एनिमल जो है वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, और जो काउ है ये हर्बीवोरस है जो कि प्लांट्स ही खाती है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा काउ। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चंस के साथ हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और देहरादून। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जो ये 3 ये हैं, ये तीनों स्टेट्स हैं, ठीक है, और जो ये देहरादून है ये कैपिटल है उत्तराखंड की। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि देहरादून जो है वो ऑड है, तो देहरादून विल बी द आंसर। तो इसी तरीके से हम क्लासिफिकेशंस के क्वेश्चंस बुक में देखेंगे, करेंगे, और अगर हमें लगता है कि कुछ क्वेश्चंस हमें समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, हम उनका आंसर आप लोगों को देंगे। इसी के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं स्क्रीन में, आप फोटो क्लिक करके क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, उसका सलूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और अगले वीडियो में उन डाउट्स को भी हम लोग क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।